बारिश को देखते हुए रायपुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कैबिनेट बैठक में तय हो जाएगा कि धान खरीदी का अंतिम तारीखों को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अगर बढ़ाना है तो आगे कितने दिन के लिए है, और ये भी तय हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बेमौसम बारिश के चलते कितना धान खराब हुआ है, कितना धान भीगा है, इसका आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन धान खरीदी रोकने के आरोप गलत हैं। धान खरीदी को लेकर प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है और बेमौसम बारिश ने घी में आग डालने का काम कर दिया है। इस वक्त मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, धान खरीदी को लेकर खूब हंगामा मचा है, इसको किस तरह देखते हैं? धान खरीदी इस मुथली चल रहा है, अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा रुकावट आई है, लोगों को दिक्कत हुआ, उसी को हम धान खरीदी केंद्र में देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार का दिक्कत है। और जबकि रोज 1 लाख टन धान कैसे आ रहा है खराब मौसम होने के बाद भी, उसको भी हम देखेंगे। धान खरीदी केंद्रों में जो अभी जो खरीदी रुक गई है, क्योंकि वहाँ पानी भर गया, मिट्टी गीला हो गया। अरे आप तो बोल रहे हैं खरीदी रुक गया है, लेकिन यहाँ तो रोज 1 लाख टन आ रहा है ना, तो पानी में कैसे आ रहा है उसको देखने जा रहे हैं हम, कि लोगों का धान कैसे इसमें तौला रहा है उसको देखने जा रहे हैं हम। अभी कुछ आपने बयान दिया था कि इसमें धान भीगे हुए हैं, तो इस पर आप किस तरह कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप पहले कई बार देखिए धान के रख रखाव के लिए हम पैसा देते हैं और निर्देश है कि सबको ढक के रखना है, बचाव करना है। अगर कहीं पर किसी की लापरवाही से धान भीगेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन, ये सर मंत्री जी एक लास्ट क्वेश्चन बस, ये बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि ये धान नहीं खरीदने के 10 बहाने हैं और कई बार प्रभावित हुआ है, धान खरीदी प्रभावित हुआ है, जैसे बेमौसम बारिश से, बार बार नीति बदलने से। भारतीय जनता पार्टी कितना धान खरीदती थी? 60 लाख मीट्रिक टन, 68 लाख मीट्रिक टन, उससे ऊपर नहीं जाती थी। और हम कितना खरीद रहे हैं, इनको पहले अपने आप को तुलना करके देखना चाहिए, इसके बाद बात करना चाहिए। ये समय है 15 बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्या बढ़ाया जाएगा समय जो बढ़ाया जाएगा? अब तो ये जो मौसम खराब आ रहा है, आज कैबिनेट में मीटिंग लेंगे, निर्णय लेंगे, आज निर्णय लेकर कैबिनेट में निर्णय लेंगे, आज ये सब देखने जा रहे हैं धान के। तो अभी हमने मंत्री अमरजीत भगत से बात की, उन्होंने साफ कहा है कि जो बीजेपी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, लेकिन जो ये बेमौसम बारिश की वजह से जो धान खराब हुए हैं उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो समय बढ़ाने की मांग है वो बेमौसम बारिश की वजह से किसान धान नहीं बेच पाए हैं, उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन जो आज ये फैसला है कि कितना दिन बढ़ाया जाएगा ये कैबिनेट की बैठक में तय होगा। कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराज कुमार, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।